वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब लोग। तो स्वागत करता हूँ आप सभी का फिर से एक बार एक फ्रेश नए व्लॉग में, राइडर टेल्स 555। तो दोस्तों, अभी पोईचा से हम लोग नीलकंठ धाम से अभी निकल रहे हैं थोड़ी ही देर में, और रिटर्न जर्नी नासिक की तरफ, अपने घर की तरफ। दो दिन के लिए स्टैचू ऑफ यूनिटी और नीलकंठ धाम, ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पूरा नीलकंठ धाम का प्रीमाइसेस है। और वो जो पीछे है वो मंदिर है, वहाँ पे बहुत ही बढ़िया आपने नज़ारे देखे ही होंगे। तो ये पीछे हमारा सब लाइनअप, तो ये पीछे आप देख सकते हैं सब अपनी होंडा की बाइक से यहाँ पे खड़ी हुई है। और अभी हम सब लोग ये रेडी हो चुके हैं नासिक जाने के लिए, अपने सब बाइकर्स वगैरह खड़े हैं यहाँ पे, और हम लोग निकल रहे हैं अभी थोड़ी ही देर में नासिक के लिए। तो दोस्तों, अभी सब बाइक्स रेडी हो चुकी है और हम लोग अभी निकलने वाले हैं। तो यहाँ से निकल रहे हैं नासिक के लिए, अपने रिटर्न जर्नी के लिए। तो बने रहिए व्लॉग में, रिटर्न जर्नी का पूरा फुटेज आपको दिखाऊंगा। अरे यार, तो इस तरीके से पार्किंग में सब मस्त लगाया हुआ है पेड़ वगैरह। तो दोस्तों, ठीक 8:06 पे यहाँ से निकल चुके हैं हम पोईचा नीलकंठ धाम मंदिर से। बहुत ही प्यारी जगह है और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा दो दिन। जय स्वामी नारायण। तो दोस्तों, इस तरीके से कुछ रिटर्न का रास्ता है हमारा। थोड़ा सा अलग रूट से जा रहे हैं अभी। सवेरे थोड़ा सा निकलते ही मैं थोड़ा 15-20 मिनट हैंग रहता हूँ बाइक पे, तो मैं ज़्यादा स्पीड में नहीं चलाता बाइक, मतलब आराम से पहले 20 मिनट उस पर कंफर्टेबल हो जाते हैं, उसके बाद फिर अपना रेगुलर स्पीड। सवेरे 15-20 मिनट, ये प्रैक्टिस मेरे ख्याल से हर एक बाइकर ने करना चाहिए। निकलते ही 15-20 मिनट थोड़ा आराम से चलाइए और उसके बाद फिर आप बाइक भगा सकते हैं, मतलब कंट्रोल में। बढ़िया रास्ता है ये, बढ़िया रास्ता बोलते ही पैच वाला रास्ता आ गया। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में, आ गए। तो दोस्तों, बहुत ही बढ़िया घाट सेक्शन था ये, मेरे ख्याल से ख़त्म हो चुका होगा। मस्त था रास्ता एकदम, लेकिन ट्रक जो है यहाँ से वो कैसे भी ओवरटेक करते, खतरनाक लेवल पे एकदम।
दोस्तों अभी ये मस्त जंगल का रूट शुरू हो गया है, बहुत ही बढ़िया, जो अपना फेवरेट है वैसा। बहुत ही मस्त, ये क्या बात है। ये अपना फेवरेट रूट है सबसे ज्यादा। बहुत ही ज़बरदस्त ग्रीनरी आ गई है यहाँ पे बीच में, और मस्त एकदम रास्ता अच्छा है। दोस्तों अब तक 80 किलोमीटर का राइड हो चुका है। और ये फिर से एक मस्त जंगल का पैच। जो रिटर्न जर्नी होता है दोस्तों वो थोड़ा, मतलब ऐसा राइड एंजॉय तो होती है लेकिन आपको दिखाने जैसा ज़्यादा कुछ होता नहीं है इसमें, खाली रोड 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 ऐसा होता है। तो भी उसमें से जो भी चुन के बढ़िया सा फुटेज है वो ही मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पे थोड़ा मुझे प्लीजेंट लग रहा है वही पैचेस मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो जिनको घूमना पसंद है स्पेसिफिकली बाइक में, उनको वो बहुत पसंद आएगा जो पैच में दिखा रहा हूँ वो, और जिनको टूरिस्ट प्लेस देखने पसंद है उनको थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, लेकिन क्या करें, अभी ये पार्ट ऑफ जर्नी है और ये व्लॉगिंग का भी पार्ट है, तो ये मुझे दिखाना पड़ता है आप सबको। तो दोस्तों अभी यहाँ पे रुके हुए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, श्रीजी रेस्टोरेंट, और ये अपने सब राइडर्स और ये अपनी सब बाइक। अब तक लगभग 98 किलोमीटर्स आ चुके हैं सवेरे से निकल के। तो दोस्तों अभी 11:47 हो गए हैं और अभी यहाँ से ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकल रहे हैं वाजदा की तरफ। लगभग 225 किलोमीटर अब तक अभी तक सफ़र करना बाकी है।
इस तरीके से कुछ अंदर अंदर के रास्ते से हम लोग जा रहे हैं। बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत ही बढ़िया रास्ता है, एकदम रास्ते का काम किया हुआ है लेटेस्ट। ये देखिए कुछ इस तरीके से, और सब आम के पेड़ है यहाँ पे, हर जगह आम के पेड़ दिख रहे हैं। चला जायचं ना, इथून स्टेट हायवे डायरेक्ट पुढे जाऊन थोड्या वेळ मग बरं आहे ना, दोन मिनिटावर स्टेट हायवे चिराग पुढे कशाला गेला, त्यांना बोलवायला गेलं, हां बोलवायला गेलं ना, हां मग ठीक आहे। हमारे बाकी के राइडर्स कुछ अलग रास्ते से गए हैं, हम लोग अलग रास्ते से जा रहे हैं। अभी स्टेट हाईवे को ज्वाइन करना है, यहाँ से गूगल जी हमें अंदर से लेके आए किधर से बढ़िया जगह रास्ते से, और ये हो गया स्टेट हाईवे को जॉइंट। ये लग चुके हैं फिर से टू लेन हाईवे पे, और ये ड्यूक राइडर जोर में जाते हुए। ये हमारे महेंद्र भाई और मैं बाइक चलाते हुए बहुत ही बढ़िया रोड पे, और मस्त एकदम अपनी हाईनेस चल रही है सबकी। तो दोस्तों रिटर्न जर्नी का व्लॉग नंबर एक यहीं पे होता है ख़त्म, क्योंकि और बहुत ही बड़ा व्लॉग है इसके आगे, क्योंकि इसके आगे और ज़्यादा खूबसूरत जो नेचर के नज़ारे हैं वो आपको देखने मिलेंगे, क्योंकि शुरू हो रहा है यहाँ से वाजदा का घाट। तो दोस्तों होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए टाटा गुड बाय, दिस इज योगेश बी तंबट फ्रॉम राइडर टेल 555। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, थैंक यू वेरी मच।